नारायणा सरसिजा सन्न सन्न विष्टा केयूरवान मकर कुंडलवान क्रीडी हारी हिरण्यमय वपुर्भुत शंख चक्र ओम मित्रा। सांस को होल्ड करते हुए संतुलन आसन चार, सांस को बाहर होल्ड करते हुए बाहर निकालते हैं नमस्कार पांच, सांस भरते हुए भुजंगासन, सांस निकालते हुए पर्वतासन, लेफ्ट पांव को ही आगे लाते हुए अश्व संचालन आसन, सांस को निकालते हुए योगेश्वर जी सूर्य नमस्कार की बात कर रहे हैं तो कितने इसमें आसन है या कितनी क्रियाएं हैं जी? देखिए अलग अलग है, जैसे मैं पहलवानों में कुश्ती करता हूँ हमारे लिए और प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है पर ध्यान ज्यादा लगाते हैं, सूर्य नमस्कार तो वैसे ही करते हैं, अलग अलग है वो। आप देखिए कि अगर आप जिम में नहीं करते तो आप अलग अलग आसन है, सूर्यासन ये है वो आप कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, अगर कंप्लीट सूर्यासन की बात करें तो कितनी क्रियाएं इसमें होती हैं? देखिए मैं अपने अलग अलग करें, इसमें पता है कितनी क्रियाएं, आप सब कुछ भी करिए उसका नाम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे हम दंड बैठक लगाते हैं वो भी आसन का हिस्सा है, उसका बैठक लगाते हैं हम ध्यान लगाते हैं अलग अलग। ये जो आपने बताया ये आठ आसनों को मिलकर के पूरा सूर्य नमस्कार बनता है, दसों या बारह स्थितियां अलग अलग तरीके से लोग करते हैं, जिसका कॉम्बिनेशन बनता है आपके सामने है। तो ये आठ आसन मतलब टोटल आठ से दस मानी जाए करके दिखाएंगे आपको। तो उसमें एक जैसे दंड बैठक लगाना होता है, उठ बैठी होती है, उसमें सूर्य नमस्कार की तरह ही होती है, इसलिए आप सभी से यह भी है कि अपने जीवन का हिस्सा बनाइए इसको, और हमारा मेन उद्देश्य भी यही है कि हर इंसान हर देशवासी सूर्य योगासन करे, सूर्य नमस्कार करे, जिससे खुद स्वस्थ रहे तन भी और मन भी। हमारी पुलिस के बारे में हमारे गंगाधर जी हैं वो पुलिस की डिटेल देंगे, हमारे बड़े आदरणीय हैं, पर मेरा मानना ये है कि जो मिशन लेकर चले हैं कि जो सूर्य नमस्कार का जो आयोजन सार्थक है, ये सार्थक नहीं अपने जीवन का एक हिस्सा बनाइए आप, और देश तो भी आगे बढ़ रहा था, पूरा देश एकजुट हो गया आगे बढ़ता है। सांस को होल्ड करते हुए संतुलन आसन चार, सांस को बाहर होल्ड करते हुए बाहर निकालते हैं नमस्कार पांच, सांस भरते हुए भुजंगासन, सांस निकालते हुए पर्वतासन, लेफ्ट पांव को ही आगे लाते हुए अश्व संचालन आसन, सांस को निकालते हुए सांस भरते हुए प्राणायाम। योगेश्वर जी फरीदाबाद पहुंचे हैं, क्या है कारण? देखिए आज फरीदाबाद से आगमन हमारा, और यहाँ पे क्रीड़ा भारती द्वारा 30 जनवरी से और 7 फरवरी तक सूर्य नमस्कार का आयोजन जो पूरे हिंदुस्तान में होगा, आजादी के 75वें अमृत महोत्सव में ये आयोजन क्रीड़ा भारती के साथ साथ सेवा भारती, विद्या भारती और पतंजलि और योग आयोग के साथ साथ 20 से ज़्यादा सरकारी संस्थाएं संगठन इसमें जुड़े हुए हैं, और हमारा मकसद यही है कि 75 करोड़ सूर्य नमस्कार इस बार आजादी के अमृत महोत्सव में करें, और ये उसके बाद पूरा देश कंटिन्यू अपने आप को फिट रखने के लिए योग करें, सूर्य नमस्कार करें, जिससे हम स्वस्थ रहें और देश स्वस्थ रहे। योगेश्वर जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की बात कर रहे हैं तो क्या टारगेट है? देखिए 75 करोड़ का यही है कि 75 करोड़ टारगेट रखा, पर हमारे यहाँ ये मानना है कि 75 करोड़ से ज़्यादा होंगे, और इसमें गिनीज बुक में आप बुक में ये लिखा जाएगा, और मेरा मानना है कि ये बहुत अच्छा आयोजन होगा, और हर नागरिक इसको अपने जीवन का हिस्सा बनाएगा और स्वस्थ रहेगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।